हे गाइज, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। सो गाइज, एक वीडियो है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो ये होने वाला है, क्योंकि यार आप देख ही सकते हो कि अभी यूएई जो है, ठीक है, जितने भी अरब कंट्री है वहाँ पर कुछ इस्लाम के खिलाफ चीज़ें चेंज करते जा रहे हैं वहाँ के लोग। तो अभी एक ऐसे ही वीडियो आया है जिसमें दुबई की हुकूमत ने अजान ही को क्यों बदल डाला। तो देखते हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं वहाँ के लोग। सो बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक के देखने की कोशिश करना है। तो स्टार्ट करते बिना किसी टाइम वेस्ट के। दोस्तों, यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की गिनती आज के दौर में दुनिया के सबसे अमीर और सबसे तरक्की याफ्ता देशों में की जाती है। ये मुस्लिम दुनिया का एक ऐसा देश है कि जिसको हमारी इस दुनिया की जन्नत कहा जाए तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। मगर इसके बारे में पिछले 3-4 दिन के अंदर आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं एक खबर जरूर पढ़ी, सुनी या फिर देखी होगी। और वो खबर ये है कि यहाँ पर मुसलमानों की अजान को न सिर्फ बदल दिया गया बल्कि जुमे की नमाज बाजमात अदा करने पर भी रोक लगाई गई। आप लोगों ने सिर्फ ये खबर ही पढ़ी और सुनी नहीं होगी बल्कि आपने तो सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वो वीडियो भी देख ली होगी कि जिसमें क्लियरली सुना भी जा सकता है कि यूएई के अंदर अजान को किस तरह से बदला गया है। मगर अब सवाल ये है कि बड़ी तेजी के साथ इस नई दुनिया के रंग में रंगने वाले इस यूएई को ऐसी भी क्या जरूरत पड़ी या वहाँ पर ऐसा भी क्या हो गया कि इसको अजान बदलनी पड़ी। और अगर इसने ऐसा किया भी तो आखिर यूएई के अंदर मौजूद या फिर इसके आसपास के दूसरे मुस्लिम देशों में भी मौजूद जितने भी मुस्लिम स्कॉलर्स हैं उनमें से किसी ने कोई ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया। तो चलिए इस पूरे मैटर की हकीकत को तो जानेंगे ही, साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि आखिर उस तुर्की को भी अजान को क्यों बदलना पड़ा कि जिसने न सिर्फ कई सदियों तक पूरी मुस्लिम दुनिया पर राज किया था, उसको लीड किया था, बल्कि आज के दौर में भी वो मुस्लिम दुनिया का नया लीडर होने का दावा ठोकता है। सबसे पहले तो दोस्तों, आप लोग यूएई के अंदर पिछले कुछ वक्त में लगातार होने वाली उन बारिशों से वाकिफ होंगे कि जिन्होंने वहाँ पर खतरनाक तबाही मचा दी। आज के दौर में पूरी दुनिया के कारोबार का सेंटर माने जाने वाले इस यूएई के अंदर इन बारिशों की वजह से हर तरह का यानी कि माली, जानी और कारोबारी नुकसान हुआ। सोशल मीडिया के ऊपर भी यूएई से लगातार जिस तरह की वीडियोस निकल कर आ रही थीं वो यकीनी तौर पर डरा देने वाली थीं, क्योंकि टेक्निकली इतना ज्यादा एडवांस होने के बावजूद भी वहाँ के शॉपिंग मॉल्स में, वहाँ के रेलवे स्टेशन, वहाँ के एयरपोर्ट, वहाँ की सड़कों, हर जगह पर पानी ही पानी नजर आ रहा था। ऐसे खतरनाक हालात की वीडियोस के साथ साथ इसी बीच अब वहाँ से कुछ अजानों वगैरह की वीडियोस भी आना शुरू हो गईं, जिसको देखकर और सुनकर क्लियरली पता चल रहा था कि ये अजान उस अजान से तो काफी अलग है कि जो पिछले 1400-1450 साल से आमतौर पर दुनिया भर के मुसलमान पढ़ते या फिर सुनते आए हैं। बस फिर क्या था, उन वीडियोस को सोशल मीडिया पर वायरल किया जाने लगा, लोगों ने उन पर अलग अलग तरह की चर्चाएं शुरू कर दी और ये सवाल पूछना शुरू कर दिया कि आखिर यूएई ने अजान को क्यों बदला। और इस चीज को लेकर अब पूरे ही सोशल मीडिया पर हंगामा नजर आने लगा। मेरे भी न सिर्फ YouTube के कमेंट्स बॉक्स में ही बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया बल्कि वो वीडियो भी फॉरवर्ड होते हुए मेरे पास पहुंचे। और तभी मुझको लगा कि शायद अब ये जरूरी है कि इसकी पूरी रियलिटी और सच्चाई लोगों तक पहुंचाई जाए। दरअसल अगर आप लोग थोड़ी बहुत भी छानबीन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पहली बार नहीं है कि जब यूएई में अजान में कुछ हल्की फुल्की चेंजिंग की गई है, बल्कि COVID-19 यानी कि जब कोरोना का मैटर चल रहा था, लॉकडाउन चल रहा था, तब भी इसी तरह के ही कुछ बदलाव किए गए थे। सिर्फ यूएई में ही नहीं बल्कि उसके आसपास के बाकी गल्फ कंट्रीज के अंदर भी। और ये जो एक्स्ट्रा अल्फाज ऐड किए गए थे ये थे सल्लू फी रिहालिकुम, कि जिसका उर्दू और हिंदी में मतलब होता है कि नमाज अपने घरों पर अदा करो।
क्योंकि न सिर्फ लॉकडाउन के दौरान ही बल्कि अभी कुछ दिन पहले भी जो यूएई में अनएक्सपेक्टेड बारिश हुई जिसकी वजह से वहां पर खतरनाक तबाही का माहौल दिखा था, इन दोनों ही मौकों पर वहां की हुकूमत की तरफ से मस्जिदों में नमाज की परमिशन कैंसिल कर दी गई थी। मस्जिदों में अजान तो दी जाती थी मगर पूरे एहतमाम के साथ जमात के साथ नमाज वगैरह अदा नहीं की जाती थी और लोगों को अपने अपने घरों पर अपने अपने ठिकानों पर ही नमाज की हिदायत दी जाती थी। लेकिन दोस्तों, इस पूरे खतरनाक और तबाही भरे माहौल में जब लगातार होने वाली हर अजान के अंदर दो बार इन अल्फाजों को अदा किया गया, यानी ये कहा गया कि नमाज अपने घर पर ही अदा करो, तो बहुत सारे लोगों ने इन अजानों की वीडियोस और रिकॉर्डिंग को सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए ये दावा करना शुरू कर दिया कि यूएई में अजान को बदला जा चुका है। यूएई का वो पूरा डिपार्टमेंट के जो रिलीजियस मैटर को देखता है, उसने खुद ही कहा है कि अजान बदल देने वाला ये प्रोपेगेंडा कोई नया नहीं है, बल्कि कोविड-19 के दौरान भी जब मस्जिदों में जमात के साथ नमाज पर पाबंदी लगा दी गई थी और लोगों ने घर पर ही नमाज पढ़ना शुरू कर दी थी, तो उस वक्त भी अजानों में यही अल्फाज ऐड किए जाते थे और तब भी बहुत सारे लोगों ने इसी तरह की बातें करके इंटरनेट पर सनसनी फैलाई थी। रिलीजियस अफेयर्स को देखने वाले इस डिपार्टमेंट ने वार्निंग देते हुए कहा है कि जो लोग भी इस तरह का काम करेंगे उनके खिलाफ साइबर क्राइम के तहत कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ऑलरेडी कुछ पाकिस्तानी और बंगाली लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिनका लैपटॉप और फोन वगैरह भी जब्त कर लिया गया है। अब बात करें इस बदली हुई अजान के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में, तो मुसलमानों की बहुत सारी हदीसों की किताबों में इसका जिक्र मिलता है, इंक्लूडिंग सही बुखारी। हाँ दोस्तों, सही बुखारी की हदीसों में भी इस तरह का जिक्र है कि जिससे पता चलता है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दौर में भी बारिश और तूफान के दौरान इस तरह की अजान दी गई थी। सही बुखारी की ही एक रिवायत में जिक्र है कि एक बार बारिश के दौरान हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने मुअज्जिन को हुक्म दिया कि जब तुम अजान में अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहो तो उसके बाद हय्या अलस्सला यानी कि नमाज की तरफ आओ मत कहो, बल्कि उसकी जगह कहो अस्सला फी बुयूतिकुम यानी नमाज तुम अपने घरों में अदा करो। जब मुअज्जिन ने हजरत इब्ने अब्बास के ऑर्डर पर ये किया तो बाकी लोगों को काफी ताज्जुब हुआ, तो हजरत इब्ने अब्बास ने जवाब दिया कि ये काम उस हस्ती ने किया है कि जो मुझसे बहुत बेहतर हैं, यानी कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हालांकि दोस्तों, यहाँ पर यह भी याद दिलाता चलूं कि जैसा कि आप में से ऑलरेडी ज्यादातर लोग जानते ही होंगे कि सुन्नी मुसलमानों में चार मसलक पाए जाते हैं, हनफी, शाफई, मालिकी और हम्बली। और ये जो यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, इसमें फिकही मामलों में मालिकी मसलक यानी कि हजरत इमाम मालिक को फॉलो किया जाता है, जिस मसलक में आप लोग इस तरह के हालात में अजान के अंदर इन चीजों का इजाफा कर सकते हैं। मगर इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे इलाकों में ज्यादातर पब्लिक हजरत इमाम अबू हनीफा यानी के मसलक हनफिया को फॉलो करती है और जाहिर है इस मसलक में इस मुद्दे पर मालिकी लोगों से अलग राय पाई जाती है, जिसको डिटेल में जानने के लिए आप लोग अपने करीबी किसी मुस्लिम आलिम, मुस्लिम स्कॉलर्स की मदद ले सकते हैं। दोस्तों, यूएई के इस ताजा मैटर को भले ही कुछ लोगों ने तोड़ मरोड़ कर सोशल मीडिया पर पेश किया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुस्लिम दुनिया में अजान को कभी बदला नहीं गया है, बल्कि एक मशहूर मामला तुर्की का ही है कि जब सन 1932 के करीब में अतातुर्क के तुर्की में अजान को बदल दिया गया था, मतलब अरबिक अजान पर पाबंदी लगाकर तुर्की में अजान देनी शुरू करवा दी गई थी। इसके पीछे साफ वजह यही थी कि तुर्की के जिसकी जड़ें इस्लाम को लेकर काफी गहरी थीं, क्योंकि उसने तो मुस्लिम दुनिया को 6-7 सदी तक लगातार लीड किया था, तो उन जड़ों को कमजोर करना था और तुर्की को एक सेकुलर कंट्री में ट्रांसफॉर्म करना था, जिसकी वजह से सिर्फ अजान ही नहीं बदली गई थी बल्कि इससे भी बड़े बड़े हैरान कर देने वाले फैसले लिए गए थे। लेकिन फिर 18 साल के बाद ही यानी 1950 के दौर में जब वहां पर एक नया नेता जीत कर आया कि जिसका नाम था अदनान मेंद्रेस, तो अदनान मेंद्रेस की तरफ से अपने दौर का शायद पहला काम यही किया गया था कि अजान पर लगी हुई उस पाबंदी को हटाया कि जो किसी दौर में मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने लगाई थी। मगर कमाल अतातुर्क के इन 20-25 सालों में ही टर्की का माहौल ऐसा बन चुका था कि अदनान मेंद्रेस को भी ये सारे काम करना बहुत महंगे पड़े, क्योंकि अदनान मेंद्रेस इस तरह की जो इस्लामिक पॉलिसीज पर चल रहे थे, मुस्लिम पॉलिसीज पर चल रहे थे, उनको इसकी सजा खुद अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं। सो गाइस, ये था वीडियो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो था। जब सामने जो वीडियो चल रहा था, ठीक है, अजान वाली,
तो उसमें बहुत अच्छी बात बताई गई कि यार अपने गांव पे जो हालात अभी चल रहे हैं, ठीक है, बाढ़ वाढ़ की चीज़ें हैं, तो वहाँ पे बोला गया है कि, अब अरबी में बोला गया है, ये तो मीनिंग मेरे को भी नहीं पता था, जब मैं को वीडियो पूरा देखा तब मेरे को चीज़ें समझ में आई, और बहुत परफेक्ट बात बोला गया, और सही बुखारी हदीस है, ठीक है। तो उसमें तो लिखा हुआ है कि यार ऐसा अजान दिया गया था जब हमारे नबी थे तो उस ज़माने में, तो ये बहुत एक परफेक्ट चीज़ थी, इसमें कोई गलती नहीं थी। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, तो जो भी जो डाउट है, ठीक है, चीज़ें जो आ रही है यूएई के जो वहाँ के लोग हैं वो गलत मैसेज पहुँचा रहे हैं लोगों को, तो वो लोगों को पता चले कि क्या इसकी सच्चाई है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव गाइस।